ओके देखो, नेक्स्ट इज वर्क डन निकालने के तरीके बताइए। दो तरीके हैं, और रादर वर्क डन निकाल, आप कहोगे दो तरीके क्यों, हमें तो वर्क डन निकालना आता है। तो मैंने पूछा कैसे, तो कोई बोला वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मैंने कहा हाँ सही है, पर मैंने कहा कि चल फिर ठीक है, एक काम कर, मैं जो एफ वेक्टर है वो कॉन्स्टेंट नहीं लेता, क्योंकि ये फॉर्मूला तब सही काम करेगा अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है, जैसे 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आंसर आएगा। पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने फोर्स को चेंज करना शुरू कर दिया, फोर्स इज चेंजिंग, तो मैं वेरिएबल फोर्स लगाता हूं। वेरिएबल फोर्स समझते हो, फोर्स की वैल्यू पहले कम थी फिर ज्यादा कर दी, या ज्यादा थी कम कर दी। अब मैं बोलता हूं फोर्स की वैल्यू बताओ क्या है। जैसे मैंने फोर्स पहले लगाई, लेट अस सपोज 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, फिर 7 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन, और एक बॉक्स को आगे धक्का मारना शुरू कर दिया। मैंने पूछ लिया वर्क डन बताओ कितना है, जब उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब फोर्स थी 1 न्यूटन तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और थी, फिर मैंने फोर्स बढ़ा दी तो मैंने ज्यादा वर्क डन किया, फोर्स और बढ़ाई ज्यादा वर्क डन किया, फोर्स और बढ़ गई और वर्क डन किया, तो हर इंस्टेंट पर वर्क डन इज चेंजिंग। पहले छोटे इंस्टेंट के लिए पहले शुरू में कम वर्क डन है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैं फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है टोटल वर्क डन बताओ क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल वर्क डन के लिए अब क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, सारे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इंक्रीज हो रही है F1, फिर F2, फिर F3 एंड सो ऑन, तो अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx dx dx, तो यहाँ का वर्क डन अलग है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, टोटल वर्क डन के लिए सारे वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया, तो ये फॉर्मूला तब तक सही काम कर रहा है जब तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर फोर्स आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दी, फिर आप ये समझ लो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल फोर्स, जब वर्ड सुनाई देगा आपको वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरीज विद टाइम, वेरिएबल फोर्स है, तो आप समझ लेना कि आपका वर्क डन कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन। अभी निकालेंगे कैसे, बताऊंगा कैसे, वो कैसे करेंगे वो अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया ठीक। तो कहां इंटीग्रेशन से वर्क डन आएगा और कहां बिना इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये क्लियर है। अब कैसे इंटीग्रेशन लगानी है उसका लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि सपोज करो, जैसे यहां से शुरू करते हैं, मान लो ये फोर्स जो एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स जब बढ़ रहा होगा फोर्स भी बढ़ रही है, दैट इज फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, मेडिकल वाले ऐसे कर सकते हैं, और वर्सेस एक्स, एफ और एक्स का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और हमने ये देखा कि फोर्स की वैल्यू बढ़ती 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 जा रही है, ये देखो बढ़ती जा रही है, वेरिएबल फोर्स का केस है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ऐसे केस में वर्क डन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। देखो क्या, मैं ना इस डायग्राम की बजाय ना अपना डायग्राम बना रहा हूं, ये एक्स है और ये एफ है, ठीक है, फोर्स और एक्स का ग्राफ है, और मान लो ये मेरा वो ग्राफ है जिसकी बात कर रहे हैं, तो फोर्स साफ पता लग रहा है, आप चेक कर सकते हो, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है इस तरीके से, ठीक। सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हूं कि छोटी सी, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट ले लो, दिखेगी भी नहीं आपको ऑब्वियसली इतनी दूर से, तो ये लेकिन बहुत छोटी लेनी है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट कर्व नहीं हो सकती, टेढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डॉट, स्ट्रेट होती है, तो सच दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ने कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू तो आएगी आएगी यहां पे, नोट कर लेते हैं एफ, और एक काम करते हैं इसको नीचे की तरफ से भी मिलाते हैं, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, तो नीचे मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल की शेप देखो, ये देखो इसके नीचे का एरिया निकालने वाला हूं मैं, ये शेडेड एरिया, सच दैट दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय dx, क्योंकि ये x की जगह छोटा सा लिया मैंने, इससे छोटा नहीं हो सकता dx, पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स को क्या लिया मैंने, कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट समझ में आया, किसने पूछा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा देख ये dx है और इसकी रीडिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस साइड, दिस इज f, तो मैंने कहा एक काम कर तो उसका एरिया निकाल दे, शेडेड एरिया, बोलो ये शेडेड एरिया क्या आएगा, f इंटू
रेक्टेंगल का एरिया एफ इंटू डी एक्स, और फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन। तो ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये स्मॉल वर्क डन आ गया, सिर्फ इतने पोर्शन का। पर किसी ने कहा मेरे को तो पूरा वर्क डन निकाल के दो, तो मैंने कहा काम कर तू ऐसे कई रेक्टेंगल बनाने शुरू कर, कई रेक्टेंगल बना। कहता कहां से शुरू करूं, मैंने कहा यहां से शुरू होते हुए रेक्टेंगल बनाता जा बनाता जा बनाता जा यहां तक आ जा, यानी कि x ऑफ i से लेके x ऑफ f तक, और सारे रेक्टेंगल्स का एरिया डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया मिला दे तो तेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। पॉइंट लॉजिक समझ में आ रहा है। पहले हमने एक छोटी सी पट्टी ली, इसकी छोटे सा स्ट्रिप लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिर ऐसे सारी स्ट्रिप्स लेनी शुरू की एंड टू एंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, 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 एंड सबको ऐड कर दिया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स में एक रिजल्ट किया था कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, एक और रिजल्ट याद कर लो, एरिया अंडर फोर्स एंड एक्स ग्राफ विल गिव टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। एफ और एक्स ग्राफ जो बना होगा, फोर्स और एक्स ग्राफ, तो आपको क्या देगा उसका, उसके अंडर एरिया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है यहां तक? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बुक के अंदर डायग्राम बड़ा बेकार सा बना हुआ, देखो ये पूरी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स ली इसने, जबकि दिस इज वेरी 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 स्मॉल, पर लॉजिक समझ में आ रहा है। उसने कहा कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, और फोर्स जो भी होगा इसमें, तो इसका एरिया क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें यही लिखा कि जो डब्ल्यू आएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स रेक्टेंगल का एरिया आएगा, पर अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे सभी रेक्टेंगल्स के एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल को मिलाऊंगा, मिलाने को क्या बोलते हैं मैथ्स में, सिग्मा करूंगा, कहां से कहां तक, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। लेकिन फिर उसने ये कहा कि डेल्टा एक्स तो निकालना बड़ा मुश्किल है, डीएक्स के साथ काम करेंगे, तो डीएक्स का मतलब है डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा, हमने कैलकुलस में फर्स्ट लेक्चर में किया था, अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा तो दिस डेल्टा एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डीएक्स। तो ये फॉर्मूला आ गया कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर और हम वर्क डन निकालने के रादर हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मुझे फोर्स की वैल्यू, अगर मुझे फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, वो सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, एफ एस कॉस थीटा आपको सीधा आंसर दे देगा, बात हो गई खत्म, जैसे अभी गार्डनर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, रोलर वाला, ठीक हो गया। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, अगर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज अ वेरिएबल, फिर आपको कोई कुछ नहीं, कोई और तरीका नहीं, फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको बचाएगा, ठीक। अगर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन बच जाती है, सीधा आंसर है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर वो तरीका है। दो तरीके क्लियर है, ठीक है यहां तक। तीसरा, अगर आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ, कोई फॉर्मूला नहीं गिवन फोर्स का, कुछ नहीं गिवन, कोई वैल्यू भी नहीं गिवन फोर्स की, बस ग्राफ दे दिया, और कौन सा ग्राफ दे दिया, एफ और एक्स का ग्राफ, तो एक शॉर्टकट है, जब एफ और एक्स का ग्राफ देगा, इसको शेड कर लो एंड टू एंड, तो इसकी जो इसके अंडर एरिया होगा वो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। तो तीन रिजल्ट्स क्लियर है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ एस कॉस थीटा, अगर फोर्स चेंज हो रही है तो एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, और अगर कुछ नहीं गिवन और एरिया के उसने सिर्फ ग्राफ बना के दे दिया एफ और एक्स का, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व विल गिव वर्क डन। आगे बढ़ने से पहले इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। एफ एस कॉस थीटा के न्यूमेरिकल तुमने कर लिए ऊपर, अब एक काम करो इसको लगाने के लिए कॉन्सेप्ट को, आप पहले ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, देखो फोर्स एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, 15 प्लस 0.50 एक्स, यानी कि एक्स बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर ट्राई करो, ट्राई करो,
एफ की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो।
ओके, कितने लोगों का आंसर मैच कर गया इसमें? क्या बात है, यानी कि इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन भूले नहीं, क्योंकि जो अभी मेथड करवाया उसमें ये करवाया कि क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है तो वर्क डन की वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, लिमिट एक्स की क्या लगेगी इनिशियली जीरो से लेके कहां तक, टू तक, फ्रॉम जीरो टू टू, डाउट इसमें? तो इसके अंदर वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ, एफ की जगह क्या पुट करेंगे 15 प्लस कितना 0.5x, dx कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 0 से लेके 2 तक, एंड लास्ट 15 1 dx 0 से लेके 2 तक, 0.5 कांस्टेंट, x dx 0 से लेके 2 तक, 15 1 dx की इंटीग्रेशन x 0 से लेके 2 तक, 0.5 x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 2 तक। एक बार x की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉल्व करके आंसर चेक करो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक, तो इंटीग्रेशन कब यूज करनी है क्लियर है? और अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन होता कि फोर्स इज जस्ट 15 बस, आंसर क्या होता वर्क डन का? 15 इंटू 2, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 और फोर्स इज 15 कांस्टेंट, तो एफ इंटू एक्स आंसर। तो फर्क समझ में आ रहा है कि कब इंटीग्रेशन और कब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? ठीक, अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। करूं देखो, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, अ वुमेन पुशेस अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। तो एक वुमेन पुश करती है ट्रक को, 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है, फिर थक जाती है तो फोर्स को कम करती है और लास्ट में 50 न्यूटन तक कर देती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 मीटर और 10 मीटर टोटल 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हर वक्त फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है -50, माइनस साइन का मतलब फ्रिक्शन है, तो 50 न्यूटन की फ्रिक्शन हर वक्त प्रेजेंट है। आपको बताना है कि वुमेन ने कितना काम किया और फ्रिक्शन ने कितना काम किया। ठीक, तो अगर तो वुमेन का वर्क डन निकालना है, फिर तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो इसके अंडर ये पिंक कलर का जो शेडेड एरिया है ये वुमेन का वर्क डन आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है तो फ्रिक्शन का ये डॉट 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 फ्रिक्शन है, हर वक्त एक्ट कर रही है, तो ये एरिया जो होगा ये वाला ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। तो अगर तो वर्क डन बाय वुमेन निकालना है, फिर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ 100 प्लस 50, ये 100 और ये 50 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 माइनस 10। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वुमेन का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा आंसर। और उसी तरीके से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये वाला माइनस फिफ्टी इंटू ये डिस्टेंस कितना है टोटल 20, तो आंसर इज -1000 जूल। और फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव।
ऐसा नहीं हो सकता, या तो ग्राफ पूछेगा या क्वेश्चन देगा, दो नहीं पूछेगा, दो मेथड अलग अलग है ना, या तो फोर्स की वेरिएशन पूछेगा तो फिर एफ डी एक्स कर देंगे इंटीग्रेशन, या ग्राफ से, दो टाइप का न्यूमेरिकल। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करो आंसर आ गया वर्क डन का, कैसे किया, एरिया, इसका एरिया बोलो क्या होगा, दिस इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज 10 इंटू 2 माइनस 1 1, तो 10, इसका एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन एरिया को ऐड करेंगे, तीनों वर्क डन पॉजिटिव और एक वर्क डन नेगेटिव, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नेगेटिव, तो तीन एरिया पॉजिटिव एक एरिया नेगेटिव, तीन वर्क डन यानी कि पॉजिटिव एक वर्क डन नेगेटिव, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो जो आएगा आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक, जैसे इसका एरिया अगर 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका माइनस 5 है, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 5 इज द फाइनल आंसर। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है? तो एरिया निकाल लोगे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।